हेलो एंड वेलकम बैक टू चैनल वंस एंड गाइस, मेरा नाम है आशीष जायकवाड़ और स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग, बड़ा ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम कुछ बेसिक एनाटॉमिकल टर्म्स के बारे में सीखने वाले हैं। एक्चुअली वो टर्म्स कुछ फर्स्ट ईयर में ही सीखने को आपको मिलते हैं, लेकिन अगर आपने लेक्चर्स मिस किए होंगे, बंक किए होंगे क्लासेस, तो आपको वो टर्म्स मिस हो जाते हैं। और अगर आपने लेक्चर मिस किया है, उसकी जो पढ़ाई है, जो आपको सिखाया गया था, वो अगर आपने फर्स्ट ईयर में मिस किया हो, तो फिर आपको सेकेंड, थर्ड और फोर्थ ईयर में भी उसे समझना थोड़ी दिक्कत की बात आती है। तो इसलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम काफी बेसिक टर्म्स जो एनाटॉमी में यूज किए जाते हैं, उसके बारे में हम सीखने वाले, उसकी मीनिंग हम इस वीडियो में जानने वाले। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है और ये वीडियो आपके डिमांड पर मैं बनाने वाला हूं। तो वीडियो में बने रहिए, वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखते रहिए। वेलकम बैक टू चैनल दोस्तों। तो हम देख रहे हैं कुछ बेसिक एनाटॉमिकल टर्म्स। दोस्तों, ये जो टर्म्स हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, वो काफी बेसिक है, और अगर आपने यहाँ अभी ही इस वीडियो में आपने ये टर्म्स सीख लिया, बिकॉज कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ टर्म्स होते हैं जिसके कारण आपको मीनिंग नहीं समझ में आती। फॉर एग्जाम्पल, अगर एग्जाम में कुछ ऐसा क्वेश्चन आया क्वेश्चन पेपर में जिसमें कुछ टर्म्स है और वो उस टर्म की मीनिंग आपको पता नहीं है, आपको आंसर पता होता है बट ओनली बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर टर्म आपको समझ में नहीं आता, आप क्वेश्चन को समझ नहीं पाते, और जिसके कारण आप गलत लिख देते हो, या फिर आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, या फिर आप कंफ्यूज हो जाते हो और आप अपना क्वेश्चन पेपर अच्छा अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं, और आपको कम मार्क्स आते हैं या फिर फेल हो जाते हो। तो ये काफी बड़ा डिफरेंस आ जाता है। उन टर्म्स को हम सीखने जाए तो एक ही वीडियो में उन्हें सीखना लाइक इट विल बी बोरिंग फॉर यू। तो इस वीडियो में हम कुछ टर्म्स लेने वाले हैं, 10-12 टर्म्स लेंगे, और बाकी के कुछ और टर्म्स हम किसी और वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहली टर्म जो हमें याद रखनी है वो है एंटेरियर। अब ज्यादातर जब आप एनाटॉमी का स्टडी करते हो, तो एंटीरियर ये शब्द आप ज्यादा बार सुनते हो, लाइक जब आप ऑर्गन्स पढ़ते हो, बोन या फिर बोन का पार्ट, तो फिर आप सुनते हो, लाइक आप पढ़ते हो एंटीरियर एस्पेक्ट, एंटीरियर साइड। तो फिर एंटीरियर मतलब क्या? एंटीरियर इज नथिंग बट टूवर्ड्स द फ्रंट, लाइक फ्रंट साइड। जब भी किसी ऑर्गन का फ्रंट साइड के बारे में बात करनी हो, तो उसे कहा जाता है, या फिर उसे रेफरेंस के लिए एनाटॉमिकल टर्म यूज किया जाता है, दैट इज एंटेरियर। सेकेंड टर्म है पोस्टर। अब ये एंटेरियर के ऑपोजिट है। एंटेरियर मतलब फॉरवर्ड और पोस्टर मतलब बैकवर्ड। जो पिछला लाइक जो पिछली साइड है उसे हम कहेंगे लाइक पोस्टर है। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं खड़ा हूँ, तो फिर मेरी ये जो साइड आपको दिख रही है वो है एंटेरियर साइड, और जो पिछली साइड जो आपको नहीं दिख रही है, दैट इज पोस्टेरियर साइड। तो दिस इज एंटेरियर एंड पोस्टेरियर। सो द नेक्स्ट टर्म इज सुपेरियर। अब सुपेरियर एंड उसका ऑपोजिट है इन्फेरियर। तो सुपेरियर मतलब क्या और इन्फेरियर मतलब क्या? अगर हम बॉडी को दो हिस्सों में, बीच में से दो हिस्सों में अगर हम काट दें, तो उसमें दो हिस्से आपको मिलेंगे, एक सुपेरियर साइड और एक इन्फेरियर साइड। आपने हार्ट में सुना होगा सुपेरियर वेना कैवा, इन्फेरियर वेना कैवा। जो सुपेरियर वेना कैवा है वो बॉडी के ऊपरी भाग से ब्लड कलेक्ट करता है, और इन्फेरियर वेना कैवा जो होता है जो वो बॉडी के निचले भाग से ब्लड कलेक्ट करता है। अगर हम बॉडी को दो हिस्सों में कट कर दे यहां से, तो जो ऊपर का भाग, जो ऊपरी भाग होगा, उसे हम कहेंगे सुपीरियर साइड, और जो निचला हिस्सा होगा या फिर जो निचली भाग होगा, उसे हम कहेंगे इन्फीरियर साइड। नेक्स्ट वर्ड है डॉर्सल और वेंट्रल। अब दोस्तों, जिस तरह से एंटेरियर और पोस्टेरियर है, उसी तरीके से डॉर्सल और वेंट्रल है। वेंट्रल मतलब जो आपका फॉरवर्ड साइड होता है, उसे हम कहेंगे वेंट्रल, और जो डॉर्सल होता है वो बैकवर्ड साइड होते हैं। मतलब अगर फिर से एक बार एग्जांपल लेंगे मेरे बॉडी का, तो ये जो साइड आप देख रहे हो, जो आप देख सकते हो, दैट इज द वेंट्रल साइड, एंड जो साइड आप नहीं देख पा रहे हो, जो पिछला हिस्सा है, दैट इज द डॉर्सल साइड। तो वेंट्रल मतलब एंटेरियर, मतलब सामने वाली साइड या फिर फॉरवर्ड साइड। डॉर्सल मतलब पोस्टर, यानी कि बैकवर्ड साइड, जो पिछला हिस्सा है, दैट इज डॉर्सल। तो ये टर्म है वेंट्रल और डॉर्सल। नेक्स्ट इज मीडियन। जो टर्म है मीडियन या फिर मीडियल पार्ट, तो इसमें मीडियल का मीनिंग होता है जो सेंट्रल पार्ट है। फिर ह्यूमन बॉडी जब आप पढ़ने जाते हो, तो यहाँ से एक सेंट्रल लाइन हम कंसिडर करते हैं। तो ये जो सेंट्रल लाइन होती है, या फिर जो ये जो मिड लाइन होती है हमारे बॉडी में, दैट इज द मीडियन पार्ट या फिर मीडियल पार्ट। तो फिर बॉडी का जो भी हिस्सा इस ओर आएगा, या फिर इस मिड लाइन के ओर आएगा, उसे हम कहेंगे मीडियल पार्ट। मतलब फॉर एग्जाम्पल, अगर हम देखें, ये मेरा हाथ है, ये जो मेरा हाथ है, तो ये जो हिस्सा होगा जो इस साइड आएगा, जो मिडल के साइड होगा, दैट विल बी कॉल्ड एज द मिडल पार्ट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इस तरह से हाथ रखूँ, तो मिडल पार्ट को जो फेस करेगा, दैट विल बी द मिडल पार्ट। और मिडल पार्ट के अपोजिट साइड, मतलब जो मिड लाइन के अपोजिट साइड पे होगा, उसे हम कहेंगे लैटरल।
तो मीडियन मतलब जो सेंटर को लाइक विच इज टुवर्ड्स द सेंटर, दैट इज मीडियल, या फिर टुवर्ड्स द मिड लाइन, मिडल पार्ट, और जो मीडियन लाइन या फिर मिड लाइन के अपोजिट डायरेक्शन में है या फिर दूर है, आउटवर्ड है, उसे हम कहेंगे लैटरल। तो फिर एग्जांपल हमने देखा, जो टुवर्ड्स मिड लाइन है दैट इज मीडियल, और जो अवे फ्रॉम मिड लाइन है दैट इज लैटरल। एक और टर्म है दैट इज पेरिफेरल, जो सेंटर से दूर है उसे हम कहेंगे पेरिफेरल ऑर्गन्स, मतलब पेरिफेरल पार्ट, सेंटर पार्ट है, उस सेंट्रल पार्ट से जो भी चीजें या फिर जो भी पार्ट, जो भी ऑर्गन दूर रहेगा, जो भी नर्व, जो भी वेसल दूर रहेगा, उसे हम कहेंगे पेरिफेरल। सो पेरिफेरल मतलब दैट इज नॉट क्लोज टू द सेंटर, या फिर दैट इज अवे फ्रॉम द सेंटर, दैट इज कॉल्ड पेरिफेरल। एक और टर्म है वो है प्रॉक्सिमल और डिस्टल। प्रॉक्सिमल मतलब वो ऑर्गन या फिर वो पार्ट जो किसी भी ओरिजिन से कनेक्ट है। फॉर एग्जाम्पल, माई फोर फिंगर इज अटैच टू दिस, तो इसका जो पेरिफेरल या इसका जो प्रॉक्सिमल पार्ट होगा, दिस विल बी दिस, ये जो पार्ट है इसे हम प्रॉक्सिमल पार्ट कहेंगे, बिकॉज दिस इज द अटैचमेंट। इसका ओरिजिन अगर यहाँ से है, फॉर एग्जाम्पल जस्ट कंसिडर, इसका ओरिजिन अगर यहाँ से है, आपको जो दिख रहा है, अगर इसका ओरिजिन यहाँ से, तो जहाँ से ओरिजिन होता है या फिर जहाँ से इसका अटैचमेंट होता है, उसे हम कहेंगे प्रॉक्सिमल पार्ट। समझ में आया? द पार्ट विच इज अटैच्ड, उसे हम कहेंगे प्रॉक्सिमल पार्ट, मतलब ओरिजिन, और जो पार्ट जो आपके अटैचमेंट से दूर हो, उसे हम कहेंगे डिस्टल पार्ट। तो ये जो एंड है, ये अटैचमेंट यहाँ से शुरू हुआ है, यहाँ से ओरिजिन है, तो यहाँ पर ये कनेक्टेड है, सो इट इज प्रॉक्सिमल, और ये जो एंड है ये इस यहाँ से कनेक्टेड नहीं है, यहाँ से काफ़ी दूर है, सो इट इज कॉल्ड द डिस्टल एंड। तो ये दो टर्म्स है, प्रॉक्सिमल और डिस्टेंस। उम्मीद करता हूँ आपको इस एग्जाम्पल से समझ में आ रहा होगा। एक और टर्म है दैट इज इंटरकोस्टल। ये जो टर्म है ये आप सबसे पहले पढ़ोगे मसल्स इस पार्ट में, मसल इस टॉपिक के अंदर। इंटरकोस्टल मसल एग्जैक्टली होते कहाँ है, सिचुएटेड कहाँ होते हैं, जो आपके रिब्स होते हैं, पेयर ऑफ रिब्स, तो उनके बीच में फॉरवर्ड टू डाउनवर्ड या फिर बैकवर्ड्स और डाउनवर्ड्स या फिर बैकवर्ड्स या अपवर्ड्स, इस डिरेक्शन में जो भी मसल्स होते हैं आपके रिब्स, फॉर एग्जाम्पल ये रिब है, तो इसके बीच में, इन रिब्स के बीच में जो भी मसल्स हो गए, दैट आर कॉल्ड एज इंटरकोस्टल मसल। जो रिब्स है उसके बीच में जो गैप है उसके रिलेटेड वो टर्म है, सो दैट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म इंटरकोस्टल। नेक्स्ट टर्म, और आई थिंक दिस विल बी द लास्ट टर्म ऑफ दिस वीडियो, दैट इज इंटरनल एंड एक्सटर्नल। ये तो काफी सिंपल टर्म है, इंटरनल और एक्सटर्नल। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये मेरा रूम है तो मैं यहाँ पर हूँ इस रूम में, सो दिस आई विल बी द इंटरनल पार्ट। जो भी चीजें इस रूम में है, सो दैट विल बी द इंटरनल पार्ट। और इस रूम के बाहर जो भी है, फॉर एग्जाम्पल इस रूम के बाहर अगर है सन या फिर ट्रीज लाइक बाइक व्हीकल्स, तो ये सभी चीजें एक्सटर्नल है। एग्जाम्पल ले सेल का, तो सेल के अंदर जो भी चीजें है दैट इज इंटरनल, और सेल के बाहर जो भी सेल मेम्ब्रेन, जो सेल का मेम्ब्रेन है, जो बॉर्डर है, उसके बाहर जो भी चीजें होगी दैट विल बी द एक्सटर्नल टू द सेल। और एक दो टर्म्स है जो काफी इंपॉर्टेंट है, जो बेसिक, सबसे बेसिक है जो आपको समझना है, दैट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो एनाटॉमी ये जो सब्जेक्ट है उसका मीनिंग है कि स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी। एनाटॉमी में आप जो भी ह्यूमन बॉडी होते हैं उसके स्ट्रक्चर के रिलेटेड स्टडी करते हो। अगर आपने एनाटॉमी की बुक देखी तो वहाँ पर आप सीखोगे आईज, नोज, हेड, या फिर जो मसल्स है, बोन्स आप पढ़ोगे, स्केलेटन आप पढ़ोगे। तो क्या है ये एक स्ट्रक्चर है आपकी ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर, कहाँ पर कौन सी चीज़ें है, मसल्स कौन से है, नर्व्स कौन से है, वेसल्स कौन से है, ये सभी चीज़ें आप एनाटॉमी में सीखते हो। फिजियोलॉजी, तो फिजियोलॉजी क्या है, ये जो बॉडी का स्ट्रक्चर है उसमें कौन से पार्ट में, कौन से ऑर्गन में, कौन से सेक्शन में क्या चीज़ें होती है, या फिर उस पार्ट का, उस ऑर्गन का क्या फंक्शन होता है, वो चीज़ आप सीखते हो, दैट इज फिजियोलॉजी। तो एनाटॉमी मतलब जस्ट एक स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर का आप स्टडी करते हो, और फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी में जो भी एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर आप सीखते हो, तो उस एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर का एग्जैक्ट फंक्शन क्या है वो आप वहाँ पर सीखते हो। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से जो भी हमने सिखाया है, जो भी मैंने सिखाने की कोशिश की है, वो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पर आप मुझे DM कर सकते हैं, या फिर अगर आपको इंस्टाग्राम से नहीं हुआ तो आप हमारे फेसबुक पेज पर हमें लाइक कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम फेसबुक की लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ पर आपको लिंक्स मिल जाएंगे, हमें फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अगर नहीं पसंद आए तो डिसलाइक करें, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कुछ तो करिए, लाइक करें या फिर डिसलाइक करें, कुछ तो आपको करना ही है, ये बात बिल्कुल मत भूलना। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसी तरीके से और इन्फॉर्मेटिव, इंटरेस्टिंग टॉपिक, स्टडी टिप्स आपके लिए बनाते रहेंगे, वीडियोस बनाते रहेंगे, ताकि आपको हेल्प हो और आपको स्टडी ईजी जाए। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए शालोम, शांति और सलाम, बाय बाय। Close till I get up, time is barely on our side.
The storms we chase are leading.